नमस्कार गाइस, पीछे एक नया वीडियो के साथ नया एडसेंस के साथ। सो गाइस, यहाँ पर देख पा रहे ये एडसेंस है जो मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज का पूरी ये इसका वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ठीक है, तो देख पा रहे यहाँ पे टुडे सो फार हुआ है $97 एंड यस्टरडे रेवेन्यू हुआ था मेरा $81 एंड लास्ट 7 डेज का डेटा या फिर देख पा रहे $487 एंड दिस मंथ का टोटल जो रेवेन्यू हुआ है $584 एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे देख पा रहे हमारा जो टोटल रेवेन्यू दिस बैलेंस सेक्शन में ऐड हुआ है इस महीने $1925 एंड लास्ट पेमेंट हुआ है $1182। सो उसके साथ साथ हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा है तो यहाँ पे देखो हमारा आज का दिन में जो CPC जा रहा है वन क्लिक में दे रहा है $2.77। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही अच्छा एक CPC और धीरे धीरे CPC इंक्रीज होगा क्योंकि हम इस तरह प्रोसेस से काम करते कि हमारा जो CPC स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ा कम रहते बट धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ या फिर इंप्रेशन देख सकते कितना अच्छा जा रहा है एंड पेज सीटियाँ भी देख पा रहे हैं एंड क्लिक भी देख पा रहा है। और हमने आप लोग को इस एडसेंस का प्रीमियम भी बहुत बार देखा है और मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारा जो इस प्रोसेस है कितना सही है, कितना अच्छा से प्रीमियम देते हैं एंड आपका एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारा गारंटी रहते हैं। और आपको इतना दिन से मैं ये एडसेंस शो करवाता हूँ ताकि इसी पर्पज से, ताकि आपका भी अगर एडसेंस लोडिंग करवाना है तो आप भी हमारा तरह अर्निंग कर सकते हमारा थ्रू। सो मैं आप भी आपको दिखाने वाला हूँ ये जो ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है वो ट्रैफिक का सोर्स दिखा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे चला जाता हूँ। 7 दिन का डेटा यहाँ पे है एंड मैं कर देता हूँ टुडे सो फार एंड या फिर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से आज टोटल रेवेन्यू हुआ है $96.94 एंड फेसबुक देख सकते हैं एंड फेस क्लिक या फिर क्लिक देख पा रहे हैं एंड CPC का बात करूँ तो या फिर देखो $3.573 एंड इंडिया से टेन सेंट रेवेन्यू बना है एंड मैं आपको या फिर पूरा जो ट्रैफिक सोर्स है एंड रेवेन्यू है वो दिखा दिया, इसीलिए क्योंकि आप लोग को मैं जितना दिन से ये एडसेंस का रेवेन्यू शो कर रहा हूँ कुछ लोग ऐसा ही है कि भाई देखते जाते परंतु तो कोई मतलब ये नहीं पूछते कि भाई यहाँ उनको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ये देखने का कुछ नहीं होगा अगर आप आपका स्टेप नहीं उठाएंगे, अपना सेंस में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप भी अपना अगर एडसेंस है तो आप भी इस तरह रेवेन्यू कर सकते हैं क्योंकि एडसेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का स्कोप है। सो मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते और दूसरे का पास होगा तो दूसरों को बोलो, दूसरा भी कमा सकते। और हालांकि ये बोलने का चीज़ नहीं, आजकल सभी लोग पता है एडसेंस के जरिए कितना अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते। एंड लास्ट में ये बोलूँ कि गाइस देखो, कुछ लोगों का पास ये भी गलतफहमी है जो एडसेंस लोडिंग होता है, एडसेंस लोडिंग के ऊपर बहुत सारा बातें बोलते कि भाई एडसेंस लोडिंग सही नहीं होता है, ये इलीगल है। बट मैं आपको बोलूँ देखो, एडसेंस लोडिंग सभी लोडिंग सही नहीं होता, मैं भी बोलता हूँ, परंतु कुछ ऐसा भी प्रोसेस होता है जो बिल्कुल सही है जिसमें ना तो कोई नुकसान होता है, यूज़र का भी नुकसान नहीं होता है एंड जो एडवर्टाइजर होता है उसका भी नुकसान नहीं होता एंड गूगल का भी कोई परेशानी नहीं होगा। सो अगर आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे तो आपका डेफिनेटली आपका एडसेंस सेफ है एंड वेबसाइट सेफ है एंड ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे ट्रैफिक किस तरह लाते हैं मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ही मैं बहुत सारा वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया परंतु तो फिर भी आप लोगों का जानकारी के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि मेरा जो वेबसाइट है, सो वेबसाइट के ऊपर एट फर्स्ट क्या करना होगा, आपको कंटेंट राइट करना है क्योंकि एडसेंस से पैसा कमाने के लिए कंटेंट ही ऐसा एक जरिया है। कंटेंट अगर अच्छा होगा तो यहाँ पे अर्निंग होगा। सो कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सो कंटेंट राइट करना। सो मैं आपको ये बेसिक सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बेसिक स्टार्ट रोल रहा है कि भाई कंटेंट राइटिंग सभी लोगों को पता है बट हमारा जो कंटेंट राइटिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। एज लाइक मैं आपको बताऊँ हम कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, सो वहाँ पे ऑडियंस कौन सा है, कौन
सो ऑडियंस के हिसाब से ऑडियंस का क्या इंटरेस्टेड है, सो ये सारा सारा का सारा चीज़ आपको पहले रिसर्च करना होगा। तो रिसर्च करने के लिए आजकल बहुत सारा टूल्स मिलते हैं मार्केट में, लाइक सिमडेस हो गया, गूगल प्लानर एड क्यूआर प्लानर होता हो गया, एंड सिमरोस एसआरएफ, ठीक है, कीवर्ड प्लानिंग। सो इतना सारा मार्केट में टूल्स आ गया, ठीक है, जो आपको यूज़ करके आप मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते, एंड देन आपको वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट के ऊपर कीवर्ड निकाल के, एंड कीवर्ड के ऊपर भी कुछ रिसर्च रहते हैं कि कौन सा कीवर्ड में ज़्यादा एडवर्टाइजर एड देने के लिए आते हैं, सो वो फाइंड करना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, या फिर एक वीडियो एड क्रिएट होता है जो बेसिकली हमने कुछ चीज़ें आप लोग के सामने नहीं ला रहा इसी वजह से कि हमारा कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंट होता है एज लाइक गूगल थ्रेशोल्ड। सो गूगल थ्रेशोल्ड पब्लिक ने आना नहीं चाहिए, एंड उसमें कुछ एंटी ब्राउज़र होता है, सो एंटी ब्राउज़र के थ्रू यहाँ पे काम होता है। सो ये हम इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एंड मैं आपको बताऊं कि उसके जरिए क्या होता है एट अराउंड होता है, एंड उसमें कुछ लोग आते हैं जो हमारा एड देखते हैं, देखने के बाद कुछ लोग आते हैं, सो मान के चलो 1000 लोग हमारा एड को देख लिया, सो 1000 में आके अंदर कुछ ही लोग आएगा, 30% लोग ही आएगा हमारा ऑर्गेनिकली हमारा पेज में, सो बिल्कुल ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा, इसमें आपका गूगल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो गाइस ये एक ज़बरदस्त प्लानिंग है, एंड शॉर्ट समर्स के हम ये कर रहे हैं जैसे आपका कोई एडसेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो गाइस अगर आप भी चाहते हैं आपका एडसेंस लोडिंग इसी तरह करना है तो आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कुछ अपडेट आया कि नहीं आया, फिलहाल कुछ नहीं आया है, जो रेवेन्यू है वही था। सो ये जो प्रीमियम रिसीप इस महीने 21 तारीख को आने वाला, आज 9 तारीख है गाइस, उसी दिन के अंदर इसका प्रीमियम भी बैंक खाता में आ जाएगा, एंड लास्ट महीने हमने इस अकाउंट के जरिए जो पेमेंट लिया है 1182 डॉलर का पेमेंट हमने हमारा बैंक खाता में ले चुका है गाइस, ठीक है, और इसी तरह धीरे धीरे हम काम करते करते और भी ज़्यादा या फिर रेवेन्यू बनाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू बनाने का या फिर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ तरीका होता है, जो स्टार्टिंग लेवल पर कुछ अकाउंट होता है जो फ्रेश अकाउंट है वो उसमें थोड़ा कम करो, देन जितना उम्र होगा एडसेंस अकाउंट का, सो धीरे धीरे आप उसमें और भी ज़्यादा लोडिंग कर सकते हैं। सो लोडिंग दैट मीन्स ट्रैफिक ला सकते, दैट मीन्स यहाँ पे अर्निंग कर सकते। सो ये था मेरा पूरा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद हो गया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बोल दीजिए वीडियो कैसा लगा, एंड अगर कुछ ऐसा कुछ ट्रिक्स चाहते आपको वो भी बता देना, मैं ज़रूर आपके लिए एक शानदार वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।